नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा मित्तल है। आज हम मूली की भुजिया बनाने जा रहे हैं और इसमें हमने डेढ़ मूली काटी है, छील के उसको और काट लिया है, लेकिन पत्ते हमने तीन मूली के ले लिए हैं। इसमें पत्ते ज़्यादा पड़ते हैं, मूली कम पड़ती है थोड़ी। तो इसको हमने जब काट के, और ये ऐसी दिखेगी काटने के बाद। उसके बाद हमने इसको उबाल दिया। उबालने के लिए हमने इसको कुकर में एक कप पानी डाला और ये पत्ते और मूली डाल दी, और उसको करीब जब फुल प्रेशर पे आ गया कुकर, तब उसको 5 मिनट मंदी आंच कर दी और फिर उसके बाद में गैस ऑफ कर दी। जब कुकर खुद ठंडा हो गया तो हमने उसको खोल लिया। उसके बाद ये ऐसी दिखेगी। इसके बाद हमने इसको निचोड़ लिया, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। ये हमने निचोड़ी हुई है, इसको हम निचोड़ लेते हैं थोड़ा सा, आपको दिखा देते हैं। हल्का सा निचोड़ना है, ये हमने निचोड़ लिया है। बस अब हम इसको छोंक देंगे। बनानी शुरू करते हैं, गैस ऑफ कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो जाती है, फिर तेल डालेंगे इसमें। हम तो नॉर्मल ऑलिव ऑयल में बना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आमतौर पे लोग इसको सरसों के तेल में बनाते हैं। तो इसके लिए हमें जो जो सामान चाहिएगा, अजवाइन 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून सौंफ पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून मिर्च पाउडर और अमचूर आधा टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, हींग 1 पिंच, ऑयल। अब हम ऑयल डाल देते हैं। अभी गर्म हो गया होगा, डाल देते हैं सबसे पहले अजवाइन, के बाद हींग डाल देते हैं। हींग थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे, 2 पिंच या 1 बड़ी पिंच, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें हल्दी डाल देंगे, धनिया, सौंफ, मिर्च और अब मूली डाल देंगे। साथ साथ इसमें नमक भी डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार या 3/4 टीस्पून। और फिर भी डाल देंगे, गैस खोल के रख लेंगे क्योंकि इसको कुछ जलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है 1-2 मिनट ताकि मसाले को ठीक से मिक्स हो जाए। गला हुआ पूरा है सब कुछ, गैस मंद कर देते हैं हम और बस 1 मिनट और। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता क्योंकि मसाले तो जो हम तेल में डालते हैं तभी भून जाते हैं, बस मिक्स कर देते हैं। इसके साथ थोड़ा सा 1-2 मिनट भूनने और एक्स्ट्रा, तो मतलब कुल मिला के हमें मसाले डालने के बाद करीब 3-4 मिनट हमें गैस पर रखना है। बस भुन गई भुन गई सब्जी, अब हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं। अब इसको हम सर्व कर देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत अच्छी बनी है। अब हमारी मूली की भुजिया बन गई है। आप इसे बनाइए, टेस्ट कीजिए, बताइए कि कैसी बनी है। अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और टिप्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जा सकते हैं।